जबलपुर पुलिस के माथे पर एक और मां की गोद सुनी करने का कलंक लगा है। संजीवनी नगर में भी इकलौती औलाद को पुलिस अपहरणकर्ताओं से नहीं बचा पाई। ठीक इसी तरह गोसलपुर में भी रेत कारोबारी के इकलौते औलाद को सकुशल नहीं तलाश पाई। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मंगलवार की आधी रात गांव के एक व्यक्ति की निशानदेही पर गाँव से 2 किलोमीटर दूर हृदय नगर से आगे धर्मपुरा जंगल में खदान की झाड़ियों में उसका कंकाल मिला। कपड़े व जूते से पिता मलखान सिंह ने कंकाल की पहचान बेटे राहुल उर्फ गोलू सिंह के रूप में की। शंकरगढ़ गाँव निवासी एक बुजुर्ग बकरियों को चराने मंगलवार को धर्मपुरा जंगल की ओर गया था। वहां खदान के खोव वाली झाड़ियों पर उसकी नजर आई तो सन्न रह गया। वहां एक कंकाल पड़ा था। दहशत में वह बकरियों को लेकर घर लौट आया। उसने गांव के लोगों से इसकी चर्चा की। रात तक इसकी चर्चा गोसलपुर पुलिस तक पहुंची। रात 11:30 बजे पुलिस बुजुर्ग को लेकर मौके पर पहुंची। कंकाल देख पुलिस ने शंकरगढ़ कॉलोनी निवासी मलखान सिंह को बुलाया। भाई इंद्रपाल सिंह के साथ मौके पर पहुंचे मलखान सिंह ने कपड़ों व जूतों के आधार पर कंकाल की पहचान 2 मार्च को अगवा हुए बेटे राहुल सिंह के रूप में की। आपको बता दें, सब पूरी तरह से कंकाल में तब्दील हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि जंगली जानवर शरीर का मांस नोच खाए होंगे। कंकाल को पीएम के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है, जहां आज सबका पीएम होगा। अगवा हुए युवक का कंकाल मिलने की खबर मिलते ही मौके पर स्थानीय गोसलपुर पुलिस के साथ ही एएसपी शिवेश सिंह बघेल और एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा भी पहुंचे हुए थे। साथ ही इस मामले में 2 मार्च से डेरा डाले हुए क्राइम ब्रांच और दूसरे थानों की पुलिस भी पहुंची हुई थी। अपहरण के सनसनीखेज मामले के खुलासे के लिए एसपी ने सूरवीरों की एक पूरी टीम लगा दी थी, पर साइबर सेल और मोबाइल सर्विलांस पर निर्भर हो चुकी पूरी टीम हवा में लठ चलाती रही। पुलिस ने गांव के चारों ओर 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में धरातल पर सर्चिंग की होती तो शायद राहुल का सब पहले ही मिल गया होता। जहां सब मिला उस लोकेशन की सर्चिंग पुलिस ने ऊपर से ड्रोन उड़ा कर की थी, पर पुलिस को कौन समझाए कि झाड़ियों में खो में ड्रोन की नजर नहीं पहुंच सकती। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की भी मदद ली थी, पर वह भी नहीं तलाश कर पाया। युवक की तलाश में 7 दिन पुलिस की भारी भरकम टीम गोसलपुर में ही डेरा जमाए हुए थी। खुद एएसपी ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल वहां कैंप लगाए हुए थे, पर युवक की सकुशल वापसी नहीं करा पाए। उसका कंकाल मिलने की खबर आधी रात को घर में पहुंची तो कोहराम मच गया। मां नीता बाई सदमे में बेहोश हो गई। दादा ओमकार सिंह भी पोते की मौत की खबर सुनकर बदहवास से हो गए। राहुल की इसी अप्रैल में शादी होने वाली थी। राहुल के दोस्तों के मुताबिक वह काफी सीधा था, पर इसके बावजूद उसे किसी ने अगवा किया और किसी रंजिश में हत्या की। अभी ये गुत्थी सुलझाने पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है कि आखिर राहुल की हत्या किसने की। आपको बता दें, रेत कारोबारी शंकरगढ़ निवासी मलखान सिंह व नीता बाई के 2 औलादों में एक बेटी और एक बेटा राहुल उर्फ गोलू सिंह था। बेटी की शादी हो चुकी है। बेटा राहुल का इसी अप्रैल में शादी होने वाली थी। राहुल के एक हाथ व पैर में परेशानी थी। वह रोज शाम को दोस्तों से मिलने जाया करता था। 2 मार्च को भी 5 बजे घर से दोस्तों से मिलने निकला था। 7:15 बजे के लगभग गोलू के मोबाइल से ही पिता मलखान सिंह के मोबाइल पर कॉल आया। इसमें राहुल को अगवा करने और फिरौती में 15 लाख रुपए मांगे। जगह पूछने पर अपहरणकर्ताओं ने बाद में जानकारी देने की बात कही और फिर कॉल नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज़।